भगवान ऐसे ऐसे दुख काहे को दे रहा, प्रभु जाते अच्छो तो तू उठा ले। नहीं फटेगा यार, अब उतरे टांग तो लग ना सकती मुन्ना। ये पहले ये कितनो पैर जाको कटरो, फिर भाई साहब से आगे बोलना। तुम ताम है जंगल सा है, यहाँ पे पानी की आवाज है और किसी की नहीं है, कोई भी नहीं है आस पास। अरे मौत। राम राम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो गाइस आ चुके हैं बहुत लंबी लंबी पहाड़ियों में, यहाँ देखो बर्फ पड़ती है सामने अभी, लेकिन 10-15 दिन ही बाकी जा रहे हैं, उसके बाद बर्फ पड़ना शुरू हो जाएगी। और ये देखो मेरा लाडला, मेरा बच्चा, देखो गाइस इसका पैर बेकार है, देखो बाबू। भगवान ऐसे ऐसे दुख काहे को दे रहा, प्रभु जाते अच्छो तो तू उठा ले। जब तोड़ तोड़ के डालते बेचारे पे, बिल्कुल न चलो जा रहा होगा, खाए खानो तो दूर तो ला जा। भगवान से मेरी तो एक ही दुआ है, भगवान ये दुख देने से पहले ना, जहाँ कोई इंसान हो या जानवर उसको उठा ले, लेकिन ऐसी तकलीफ ना दे। अब देखो इतनी छोटी सी है, अब इसका पैर ही कट गया, जरूर जरूर रोड वालों ने काटा होगा, क्योंकि यहाँ पे ना गाड़ियां बहुत तेज चलाते हैं और इनकी आदत है ये रोड पे बैठ जाते हैं और पैर को ऐसे करके पसार के बैठते हैं और पैर पे होके चढ़ा के ले गया होगा, जरूर वैसे ही कटा है मुझे लग रहा है। पीछे वाला पैर होता है ना, तो एक टांग से लंगड़ा के कैसे भी करके थक के चल लेंगे, इसका तो अगला ही पैर खराब है। अब बताओ कैसा क्या करता होगा बेचारा ये, है अभी भी इसके मक्खी लग रही है शायद। मेरे पास गाय से एक दुपट्टा है, दुपट्टा फाड़ के और इसके बांध दूंगी ताकि मक्खियों से तो बचेगा। हम लोग जंगल में लकड़ी लेने आए थे, बस जा ही रहे थे आगे की तरफ और बेचारा ये जानवर मिल गया। मुझसे ना इनका दर्द ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अब ना खा रहा, पता ना कुछ और खा रहा, जाके पैर लगवा दो। तो मेरे पास ये दुपट्टा है फ्रेंड, इसको मैं इसको बांध देती हूँ, उसकी मक्खी वक्खी लग रही है ना घाव पे, तो भगवान से ये कह रही हूँ भगवान कोई भी इसको देख ले, कोई जैसे रेस्क्यू वाली टीम होती है, उसके बाद इसको देख के इसको ट्रीटमेंट, इसका कोई नकली पैर लगाते प्लास्टिक वाले जो पैर आते हैं, हमारी तो कोई सुनता नहीं है। अब देखो हमें ना एक लैब्राडोर मिला था, उसका हमने थोड़ा, ये तो खैर इसका तो पैर ही नहीं है, वो थोड़ा सी परेशान था, उसका कुछ कोई नहीं सुन रहा था, हम लोग कई कई दिन उसको लेके भागे थे। इतनी नीची नीची खाइयां है, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, अब ये चढ़ तो सकता नहीं है, ना नीचे जा सकते ना ऊपर, इनका एक ही बसेरा यही रोड, रोड पे ही खाते हैं बैठते हैं सोते हैं, यही लोग इन्हें मार जाते हैं। हम ना वहाँ पे जा रहे थे वैष्णो देवी परसों तरसों, तो एक ऑटो वाला था, वहाँ पे बंदर बहुत ज्यादा मिलता फ्रेंड, तो बंदरों के ऊपर एकदम अपने उसको ऑटो को चढ़ाया जा रहा जानबूझ के मार रहा था। जब देखा था कि कुछ लोग ना जानवरों को जानबूझ के मारते हैं, लोगों को बहुत मजा आता है जानवरों पे, लोगों पे अत्याचार करते हुए, गालियां देंगे बिना मतलब के, उन्हें मारेंगे टॉर्चर करेंगे, होते हैं कुछ लोग। तो ही मत खाई में लुढ़क जाइए तोड़ते तोड़ते, अच्छे से बांध दे इसको, ठीक है ना, इसके लगे और ना खुल पाए इतनी जल्दी। वैसे अगर इसको दो करके अगर किसको फाड़ के बांधता ना तो अच्छे से बांध पाता फिर। एक आनी में ना पहले ही फाड़ लेता यार, एक कपड़ा थोड़ा वैसा है, फट जाएगा। नहीं फटेगा यार। अच्छा तरीका है ना, अब फट जाए। ये देखो बेचारे से चलाना जा रहा, बाबू ये तेरे बंधेगी फिर तू अच्छा हो जाएगा, अब बाबू तेरे टांग तो लग ना सकती मुन्ना। जब अरे डार तो कोई भी भूखा पागल नहीं डार, बाकी खाई है नीचे बहुत, बाबू पैर तो मिल गया यार, लेकिन मंगाए कैसे? गाइस हमने ऑनलाइन पैर देखा है इसका, लग पाएगा या नहीं आप पता नहीं है, वैसे मिल तो गया, बहुत मुश्किल से मिला है, डाल देगा खालते। ये पहले ये कितनो पैर जाको कटरो, फिर भाई साहब से आगे बोलना है। एंड नंबर तो पैर तो मिल गया था ठीक है, और वहाँ पे हमने कॉल करी है, तो अब 12-12 13-13 नंबर है, वो लग भी ना रहे 10 नंबर की जगह।
अमेरिका और कर्नाटका, पता ना कहाँ कहाँ के नंबर है, तुम तो उसके लिए पैर वैर मिल जाए। अगर आप लोग भी बताओगे तो तब तक तो ये पता नहीं कहाँ चला जाएगा। गाइस अपने आगे की तरफ, अब इसका क्या किया जाए वो तो मालिक जाने, भगवान जाने, मेरे तो बस में नहीं है कुछ भी, वरना मैं बहुत कुछ करूँ सबके लिए, इनके लिए भी। ये भी कहीं ना कहीं भूखे प्यासे ही रहते होंगे, भले ही इनके हाथ पैर सलामत है। चलो चलते आगे की तरफ, आजा ये कपड़ा उठा लिया, उसमें लकड़ी बांधनी है। ए लड़ो मत, जाइयो धंधो समर के। गाइस हम लोग भुट्टा तोड़ रहे हैं यहाँ से भूजने के लिए, बहुत दिन बाद आज देखे हम, जल्दी तोड़ के आ जाओ। अरे ये तोड़ो है, ये तोड़ लो, वो नाली में डाल दो। बाबू आ जा यार, रेंग रेंग मत आ भगिया ना। ये देखो गाइस यहाँ पे ना लकड़ी लेने के लिए आई थी, भुट्टा भूजने के लिए बैठ गई यहाँ पे, लकड़ी वकड़ी बाहर में गई। अरे तो पहले लकड़ी ढूंढ लेती, बाकी बाद में भूज लेते इन्हें। हाँ, ये चार लकड़ी है, इन पे कई दिन खाना बन जाओ तेरो है, कई दिन खाना बन जाओ इन पे तेरो, एक दिन रोटी बना बने इन पे सही तरह थे। भूज रही है भुट्टा, ये का लग रहा है टी शर्ट पे छुटा है, लोट लोट के तो लकड़ी ढूंढते पेरा के ऊपर थे। बाकी पूरा सुनसान है, जंगल सा है यहाँ पे, पानी की आवाज है और किसी की नहीं है, रोड भी नहीं है आसपास। अरे मोहबंद कर ले चूतिया, भुट्टों को जल्दी से छीलते हैं और भूनते हैं एक साथ। छील पहले इनको, ये मेरा है, ये मेरा है और ये तेरा है। हाँ ठीक है, छील पहले अब सिन तेरा छील लूँ। हाँ हाँ है, केवल छूट है वो भी खड़ी हुई। अभी तो देख कितना बड़ा होगा कितना छोटा निकलो भाई रे भाई, तू वहां रुकी नहीं आगे। मेरी आग देखो कितनी अच्छे से जली है, अब मुझे ना आग परेशान नहीं करती, बुढ़िया के घर पे रह करते तब आग ही ना जलती, रोटी बनावे में खाना बनावे में भाई। अरे मैया जे तो लग रहा मीट बड़ी दुकान फीके पकवान, गाइस जे देखो इतने इतने से भुट्टा लग रहे हैं, आग इतनी जला ली, भुट्टा देखो इतनी बड़े बड़े में तेज़ से निकल रहे हैं। दो दो दाने किस्मत ही छोटी है मेरी तो, जाकू भूज लेता वरना ये भी चले जाएंगे। ये तो गाइस पक गो, ये देखो दूधल दूधल है और ये पूरी मुठिया पक गई, पर मस्त लग रही खाने में, बस नीचे ये देखो रोटी बनावे लायक है। ये देखो गाइस कितने मस्त मस्त फूल भुज रहे हैं हमें, चल फूक मार रहे, भुज ले तेरी जल गई। इतनी सी लकड़ी में चली गई यार, जल्दी तो भूल दे, घुस गई वहां में आग में। कौन सी की नीचे वाली, ऐसा तो ना रंग गई भूजी ना, वो रंग गई गाइस पच्ची है रंग गई लादे हाई। गाइस भुट्टे भुज गए, इनको खाते हैं अच्छे कैसे हो, अच्छा मीठा बहुत है यार ये वाला। हाँ पानी देखो कितना अच्छा लग रहा है, पानी पहाड़। इसे देखो हमारा चलने का टाइम हो गया, अब ये बुझा रही है यहाँ पे आग, क्योंकि यहाँ पत्ते पड़े हैं सूखे बहुत, यूं ही आग लग जाएगी। बस चले पीनी है इसने भुट्टों के चक्कर में। अरे यार हमारा नींबू गिर गया यार कहीं, यार मजा खराब हो गया यार, आराम से चलियो, कीड़े बीड़े देखियो, कीड़े ना चिपक जाए तेरे पैरों पे। चल फाइनली हम लोग आ गए रोड पे, अब चलते हैं घर की तरफ। अभी तो लकड़ी तोड़नी है कि घर की तरफ, आ जा तोड़नी है लकड़ी आम के पेड़ पे, आ जा चुपचाप।
दोस्तों भुट्टे वाली जगह पैसे आ गए। अब टूट गई हमारी सूखी सूखी लकड़ी आम के पेड़ से, क्योंकि बाकी की लकड़ियां जल पता नहीं अलग अलग लकड़ियां यहाँ पर जलती हैं नहीं जलती। अब आम का पक्का पता है कि यहाँ ये लकड़ी जलेगी अच्छे से काम करेगी। तो यहाँ से कुछ लकड़ियां तोड़ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं घर की तरफ। ये देखो नेक लकड़ी ना चांद पे लेके आते हैं और जब के लटक जा भाई हाथ में। तू लटका ले काय में चांद पे रखते हो फिर। अरे बच्चा तू तो यार ऐसी बात करते। शाबाश गाइस, हो गया दो दिन के लिए। फलो फूलो और क्या कहते हैं, आगे आगे बढ़ो, फलो फूलो आगे बढ़ो। गाइस शाम हो चुकी है, रात भी होने वाली है, तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं खत्म। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। जब तक जय श्री राम, बाय बाय।